छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कार में कर रहे थे गांजे की तस्करी। दादरी पुलिस ने दो ऐसे गांजा तस्कर गिरफ्तार किए हैं जो कार में गांजे की तस्करी करते थे। उनके कब्जे से 200 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। दादरी पुलिस ने बताया कि यह गांजा विशाखापट्टनम से लाया जाता है और इसे समता एक्सप्रेस से गांजा तस्कर विशाखापट्टनम से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक पार्सल के माध्यम से लाए थे। इसकी एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में सप्लाई की जा रही थी और साथियों के नाम भी प्रकाश में आए हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। थाना दादरी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बिरयानी पुल के पास से गांजा के दो तस्कर प्रवीण और सतीश गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी कार में 200 किलो गांजा, अवैध गांजा बरामद हुआ है जिसकी मार्केट में कीमत 25 लाख रुपए है। ये इसको विशाखापट्टनम से लाते थे और पूरे एनसीआर में सप्लाई करते थे। इन्होंने बताया कि निजामुद्दीन स्टेशन पर भी हम लोग पार्सल के माध्यम से समता एक्सप्रेस से कई बार माल मंगाए हैं और इन सीआर में सप्लाई किए हैं। आज भी इनका इरादा था इसको दिल्ली और गाजियाबाद में सप्लाई करने का, तब तक इनको पकड़ लिया गया है। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा पुलिस टीम को 25,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया गया है। आज यह गांजा इटावा के सागर ढाबा से 12 टायरा ट्रक ले करके ग्रेटर नोएडा में उतार करके माल को सप्लाई करने जा रहे थे जिस दौरान इनको पकड़ा गया है। ये कहाँ सप्लाई करते थे, तस्करी में इनके साथ कौन शामिल है, ये सारी जानकारी पुलिस को प्राप्त हो गई है। उन लोगों के विरुद्ध भी